हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए अचारी आलू की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है। साथ ही ये बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनता है ये। उम्मीद है ये चटपटे आलू आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी की शुरुआत हम लोग सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाले हैं। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी इस आलू को कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्लो फ्राई किया है और मैंने साथ में ही मस्टर्ड का ऑयल भी डाला है। आप चाहें तो किसी और ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। अब मैंने इसमें मस्टर्ड सीड डाला है, साथ में ही मैं इसमें क्यूमिन सीड भी डाल दूँगी। जब दोनों तड़कने लगे फिर उसमें मैं हींग डाल दूंगी। 1 पिंच हींग मैंने डाला है। और अब मैंने बॉईल किए हुए आलू, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था, उसे डाल दिया है। मैंने 3 मीडियम आलू लिए थे और उसे बॉईल करके बीच से काट के इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसे फ्राई करूंगी। मैं इसे तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसमें रेड रेड स्पॉट ना आने लगे। मेरे आलू थोड़े अच्छे से रेडिश हो जाएंगे, तब तक मैं इसे फ्राई करूंगी। इसमें मैंने 2 मसाले डाले हैं, जिनके बारे में मैं बता देती हूँ। डाले तो मैंने अन्य भी मसाले हैं, लेकिन 2 मसाले इम्पॉर्टेंट हैं। एक मैंने अचार का मसाला डाला है। अचार के मसाले में मैंने हल्दी लिया था 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने उसमें मस्टर्ड पाउडर लिया था, 1/2 टीस्पून मैंने उसमें रेड चिली पाउडर लिया था, साथ में मैंने 1/2 से भी कम टीस्पून उसमें मेथी को कूट के डाल दिया था, साथ में ही मैंने उसमें अजवाइन और मंगरेला डाल दिया था। और इस तरह से मैंने उसे अचार के मसाले को तैयार किया है। उसमें मैंने सरसों, हल्दी, थोड़े से मेथी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। सरसों का पाउडर और मेथी का पाउडर मैंने डाला था। मेथी को मैंने हल्का भून लिया था। इसके अलावा मैंने दूसरा जो मसाला डाला है वो भुना मसाला है। भुना मसाला में मैंने धनिया 1 टीस्पून, या आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, तो मैंने उसमें धनिया, जीरा और सौंफ, ज़्यादा धनिया लिया था। धनिया मैंने 4 चम्मच लिया था, सौंफ और जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया था, टेबल स्पून, और उसे भून के उसे भी कूट के रख लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों मसाले के बारे में आपको बता दिया, जो अभी मैं इस मसाले अचार में डालूंगी। उस मसालों का मैं जितनी भी उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को थोड़े से मैंने विनेगर में पीस लिया था, उसे डाला है। उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार में पीस के रख लीजिए, जब भी अचारी आलू या अचारी गोभी बनाएं या इस तरह की कोई भी सब्जी को आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। मैंने आलू से बनाया है, आप कुछ भी सब्जी से बना सकते हैं। तो अब मैंने इसमें सबसे पहले ये पेस्ट डाला है, जिसे मैंने जिंजर, गार्लिक और विनेगर को मिलाकर पीसा था। उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट दिया था। इसे लास्ट में जब भी हम सॉल्ट देंगे तो थोड़ा अंदाज से ही देंगे, टेस्ट करके। इस मैंने आलू से बनाया। आप गोभी, बैंगन, बड़े बड़े काट के बैंगन या और भी किसी वेजिटेबल के साथ जो पसंद हो आप बना सकते हैं। उसे बस पार बॉइल करके रखना है और उसी में इस तरह के मसाले डाल के बस बना लेना है। अब देखिए, मैंने इसमें अचार का मसाला डाला है, साथ ही के साथ ही मैंने इसमें भुना मसाला भी डाल दिया है। और अब देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ धनिया, जीरा और सौंफ, जिसे मैंने भुना मसाला कहा था, उसे भी डाल दिया है। और डाल के मैं सबों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो मैंने अचार के मसाला 1 टेबल स्पून डाला है, साथ में ही 1 टेबल स्पून भर के ये भुना मसाला डाला है, साथ में ही मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और अब मैं रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है,
क्योंकि ऑलरेडी हमने चिली का प्रयोग किया है और अब मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू निचोड़ दीजिए। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी सब्जी है, इसे आप ज़रूर बनाइए। इसे आप बना के एक दो दिन रख सकते हैं। अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो पूड़ी पराठे या नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, एक दो दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अगर आप सफ़र पर ले जा रहे हैं तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाइएगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने मसालों को मिलाने के लिए थोड़ी सी 2-3 चम्मच पानी मिलाई थी, लेकिन कहीं बाहर ले जाने के लिए आप पैक करें तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। तेल की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और अब मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। ये बड़े से लेकर बच्चों सभी को पसंद आएगा यह चटपटा आलू। और अब मैंने धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और उसके बाद मैं इसे उतार कर डिश आउट कर दूँगी। प्लीज़ दोस्तों, मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ओवर की अवश्य कीजिए। तो देखिए, मैंने अचारी आलू को डिश आउट कर दिया है। कितने टेस्टी और टेम्प्टिंग लग रहे हैं। इसे आप, मैंने बताया, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठा नान रोटी। इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। मैं आपकी फ्रेंड्स फिर अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। टिल देन बाय बाय दोस्तों।